हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के विभिन्न आयामों, हिंदी के विभिन्न रूपों के विषय में हम अपने हर अध्याय में चर्चा करते रहते हैं और इसी श्रृंखला के आगे श्रृंखला को जारी रखते हुए आज के अध्याय में हम जानेंगे प्रारूपण के बारे में। अब ये क्या होता है प्रारूपण? इंग्लिश में आप इसे ड्राफ्टिंग कहते हैं और हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रारूपण। इसका ज़्यादातर उपयोग हम करते हैं कार्यालय यानी कि ऑफिस में कार्य करते वक्त इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका कैसे प्रयोग करना है, प्रारूपण क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रारूपण कहते किसे हैं, यानी कि प्रारूपण का अर्थ, उसकी परिभाषा। तो हिंदी में प्रारूप को रूपरेखा, कच्चा मसौदा या आलेख कहा जाता है और अंग्रेजी में आप इसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। ऑफिसेज में यानी कि कार्यालयों में जब किसी आदेश, प्रस्ताव, परिपत्र, प्रपत्र, शासकीय पत्र भेजने से पूर्व जो भी हम रूपरेखा तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं प्रारूप। तो इसमें क्या होता है, किसी भी विषय में जब आगे की कार्यवाही निश्चित हो जाती है तब एक प्रारूप तैयार होता है। ज़्यादातर कुछ ऐसा मसौदा भी होता है ऑफिस में जो कि बिल्कुल गोपनीय होता है और हमें टिप्पणी में जिन बातों का उल्लेख करना होता है उन बातों को हमें प्रारूप में रखना जरूरी है। संबंधित मसौदा तैयार करने के बाद फाइल को हम कहाँ भेजते हैं, उच्च अधिकारी के पास अनुमोदन के लिए भेज देते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रारूपण की रूपरेखा के बारे में। प्रारूपण का मामला विचार व निर्णय के आधार पर होगा। दूसरा है, विभिन्न विभागों की शब्दावली और भाषा शैली के अनुसार ही हमें मसौदा लिखना होता है। प्रारूपण में उससे संबंधित पूर्व पत्रों की संख्या और दिनांक का उल्लेख करना बहुत जरूरी होता है। अब लिखते वक्त क्या करना है, ऊपर में सरकार, विभाग, पत्र संख्या और मध्य भाग में विषय वस्तु और दाईं ओर प्रेषिति यानी कि जो भेजने वाले का नाम है उसका पद है और पता लिखा जाएगा। विषय वस्तु के मुताबिक प्रारूप का आप आकार छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अनुच्छेद में लिखना है, हमें जो भी हमारी विषय वस्तु है उसे हमें अनुच्छेदों में लिखना होगा। विषय वस्तु का सार अंतिम, जब आप अंतिम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो जो आपकी बात का सार है उसे उसमें आपको लिखना होगा ताकि अधिकारी यदि पूरा ना भी पढ़े तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ेगा और अपना निर्णय दे सकेंगे। इसके क्या सिद्धांत है, सुविधा की दृष्टि से हमने इसे दो वर्गों में विभाजित किया हुआ है। एक है प्रारंभिक प्रारूपण और दूसरा है उच्चतर प्रारूपण। क्या होता है प्रारंभिक प्रारूपण, इसमें क्या क्या आते हैं, आवेदन पत्र, स्मरण पत्र, अंतरिम उत्तर, पृष्ठांकन, दौरा कार्यक्रम, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश आदि। और जो उच्चतर प्रारूपण है इसमें क्या होता है, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति आदि। अब हम जानते हैं प्रारूप लिखते वक्त हमें किन किन अनुदेशों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि जो प्रारूप है या मसौदा है यह पूरा होना चाहिए, पूर्ण हो, जहाँ तक हो ये संक्षिप्त हो, और यदि किसी कारण से आपका ये लंबा हो गया प्रारूप या कठिन है तो आपको क्या करना है, ऊपर कही हुई पूरी बात का सारांश लास्ट में अंतिम पैराग्राफ में लिख देना है। जितने भी जहाँ तक हो सके जो लंबे वाक्य हैं उनसे हमें बचना चाहिए, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर नहीं प्रयोग करना चाहिए। और पत्र भेजने वाले को उत्तर देते समय उसकी पत्र की क्रम संख्या, दिनांक आदि जरूर लिखना चाहिए। और यदि एक ही पते पर एक से अधिक पत्र भेजने हो तो क्या करना है, उसमें वर्ष दिखाने वाली संख्या से पहले अलग अलग आप उसमें क्रम संख्या लिख दीजिए, जैसे कोई भी संख्या है या फाइल का नंबर है, और उसके बाद आप तारीख दिनांक लिख दीजिएगा। यदि एक से अधिक पत्रों का उल्लेख करना आवश्यक है आपको एक ही प्रारूपण में, एक से ज़्यादा पत्रों का उल्लेख करना है तो क्या करना है, मसौदे में जो हाशिया होता है उसमें आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। साथ ही मसौदे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पत्र के साथ कितने संलग्न
संलग्नक जाएंगे, यानी कि कितने उसके साथ आपने प्रतियां लगा रखी हैं। पृष्ठ की बैन और संलग्न संख्या उसमें जरूर लिख दें। जिस सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से पत्र जारी किया जा रहा है, मसौदे में उसका नाम, उसका पदनाम तथा टेलीफोन मोबाइल नंबर जरूर लिखना चाहिए। प्रारूप लिखते समय या फिर आप उसे टाइप कर रहे हैं, दोनों समय दोनों तरफ हाशिया काफी छोड़ना चाहिए। पंक्तियों के बीच अंतर रखना चाहिए ताकि जरूरत हो तो उसमें कुछ आपको शब्दों को जोड़ना है तो आप उसे लिख सके। प्रारूप के साथ अनुमोदन के लिए मसौदा यानी कि ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल की एक पर्ची भी लगानी बहुत जरूरी है। यदि एक से ज्यादा मसौदे हैं तो आपको क्या करना है, उन पर्चियों पर आपने नंबर लिख देने हैं। तत्काल तथा प्राथमिकता के रूप में जारी किए जाने वाले प्रारूपों पर अनुभाग अधिकारी के स्तर के अधिकारी के आदेशों के अनुसार आपको वहां पे तत्काल या प्राथमिकता लिख देनी है। डाक से भेजे जाने वाले पत्र यदि उसमें हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण हो, जैसे कि चेक हो, सेवा पंजी हो, तो उन्हें आपको रजिस्ट्री डाक या बीमाकृत लिफाफे या डाक प्रमाण पत्र द्वारा भेजना चाहिए। प्रारूप पर अनुमोदन करने का संकेत देने के लिए संबंधित अधिकारी को अपने हस्ताक्षर बहुत करने जरूरी हैं। अच्छा, ये जो प्रारूप लेखन का प्रयोग है ये कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो देखिए ये है स्मरण पत्र, स्वीकृति पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति। तो दोस्तों ये हमने जाना कि प्रारूपण किसे कहते हैं, उसे लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप कार्यालय में काम करेंगे, हिंदी में लिखेंगे, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। और अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे, हम जानेंगे प्रारूपण के विभिन्न रूप, यानी कि जो ये स्मरण पत्र, स्वीकृति पत्र और ये अर्ध सरकारी पत्र आदि हैं, ये कैसे आपको लिखने हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इनको हम जानेंगे। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।